तब बहुत दूर दूर से दौड़ के आते हैं, तो बाप और ज्यादा दूर से दौड़ के आते होंगे या कम दूर से आते होंगे? हाँ, बाप तो बहुत दूर से आते हैं। और बाबा जब जिसमें पैसे प्रश्न किया, जिसमें पैसे पैसे प्रश्न किया, प्रश्न किया तो धर्म साफ हुआ। वैसे ना संगम में राम संगम में कुछ में उसमें जिस लाल ने ब्रह्म ज्ञान में प्रश्न किया तो कुछ लोग जेल में डरवाया, जब बाप ने प्रवेश किया तब जेल में डलवाया? नहीं, तो सूक्ष्मात्मा पावर फुल होती है ना। हाँ, तो मैं क्या था जो रावण आत्मा है, रावण श्री संगम संगम का, तो उसमें उसके आत्मा ने प्रवेश किया। अच्छा, तो उसको जेल में डलवाया। उसकी आत्मा ने जब प्रवेश किया तब जेल में डलवाया? उसके आत्मा ने प्रवेश किया, हाँ, उस टाइम जेल में डलवाया। माने जब प्रवेश किया तब जेल में डाला गया। हाँ, तो आत्मा ने जब प्रवेश किया तब जेल में डाला गया। और आजकल क्या बोलते हैं? पहले एक बात तो हल कर लो। हाँ, तो मेरी बात जैसे की आत्मा दादा लेखर, दादा लेखराज की आत्मा राम वाले व्यक्तित्व में कब प्रवेश करती है? प्रवेश करती है। अगर 69 में प्रवेश करे तो चंद्रभान नाम होना चाहिए। अरे शंकर का एक नाम है चंद्रभान। क्या चंद्रभान? माना भान माने मस्तक, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, तो 69 से चंद्रवाल है। तो बात दूसरी हो गई। तो 69 में जब प्रवेश किया आपके अनुसार सृष्टि की टोल ले तो जेल में गया। ये बात तो दूसरी साबित होती। हाँ, अवतार पूरे होते हैं, 87 उस टाइम अगर प्रवेश किया तब जेल में गया क्या? नहीं, राम के जेल में प्रवेश किया, फिर कहते 89 में प्रवेश किया, अभी कहते 98 में प्रवेश किया। 98 में रावण को जेल में डाला। बाबा ने बोला है तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। आपकी मान्यता है कि प्रकृति आत्मा ने राम वाली आत्मा को जेल में डाला, तो दोनों अपोजिशन में हुए या एक दूसरे के साथ ही हुए? वो बात नहीं, क्या बात है? बात ऐसी कैसी है? राम वाली आत्मा ने प्रवेश किया। राम वाली आत्मा ने किसने प्रवेश किया? किशोर वाली आत्मा ने 69 में आप बता रहे प्रवेश किया? 87 में प्रवेश किया, उससे पहले प्रवेश नहीं किया। 76 में बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ? हुआ।
तो जब बाप प्रत्यक्ष हुआ तो किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? मूर्ति का नाम क्या है? क्या नाम? अरे जिस मूर्ति में प्रत्यक्ष होता है बाप, उसका नाम क्या है मूर्ति का? अहम प्रजापिता ब्रह्मा। वो मूर्ति का नाम क्या है त्रिमूर्ति में से? है शंकर। और शंकर है तो तीन आत्माओं का संकलन होना चाहिए ना। तो आप तो कहते हैं 98 में प्रवेश किया। ब्रह्मा का अवतार का नहीं हो गया 26 में? राम वाली आत्मा का अवतार की हो गई। संगमित के हिसाब से प्रजापिता का पांच भाई, प्रजापिता ब्रह्मा के नाम का जो आदि ब्रह्म है, वो 100 साल उसके पूरे होते हैं 76 में। जब 100 साल पूरे होते हैं तो ब्रह्मा नरक में खत्म हो जाता है। वो आदि ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा, उसका नरक खत्म हो गया। माना नरक करने जो नर है, मनुष्य है, जो नरक बनाने वाले हैं, उनके डायरेक्शन पर नहीं चलता। जब उनके डायरेक्शन पर ही नहीं चलेगा तो नरक खत्म हो जाए। तो एक आत्मा के लिए मानसिक आधार पर कहेंगे कि उसका नरक खत्म हो जाए। ऐसे नहीं प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में दुख नहीं मिलता, ऐसे नहीं कि वाचा से कोई दुख नहीं देता, ऐसे नहीं कि लाल लाल आंखें दिखाकर कोई दुख नहीं देता। वो सब होता है लेकिन मनसा से उसको कोई दुख नहीं दे सकता। दुख की बातों को भी वो सुख में ज्ञान के आधार पर कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए वो एक ही मूर्ति है जो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ब्रह्मा की मूर्ति को भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे, विष्णु की मूर्ति को भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे। विष्णु की मूर्ति में 2 आत्माएं या 4 आत्माएं विराजमान हो सकती है, लेकिन शिव की मूर्ति उसमें शिव की आत्मा प्रवेश नहीं है। जो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है वो सिर्फ एक ही मूर्ति है। उस एक मूर्ति में 3 आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए 76 से साबित होता है कि कृष्ण वाली आत्मा भी राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क संबंध में आने से बीज रूपी से धारण करती है। उससे पहले वो भी बीज रूपी से नहीं धारण करती थी। और ज्ञान का बीज है जो बीज सतयुग में रह जाएगा, बाकी सारा ज्ञान उड़ जाएगा। क्या बीज रह जाएगा? ज्ञान का बीज क्या रह जाएगा सतयुग में? बीज माने सा, क्या सा? मैं आत्मा जो तू। ठीक है हाँ। ज्ञानी तू आत्मा बनती कैसे है? ज्ञानी तू आत्मा बनाता कौन है? अरे बनाने वाला चाहिए कि नहीं? कौन है? बनाने वाला है तो योग हुआ ना। बिना बनाने वाले बाप के कोई भी आत्मा स्थिति धारण ही नहीं कर सकता। आत्मिक स्थिति धारण करना माने आत्मा बनना, आत्मा बनना माने बाप का बच्चा बनना। बाप का बच्चा बना माना बाप के साथ बच्चे का योग लग गया। तो बिना योग के
आत्म की स्थिति धारण नहीं हो सकती। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को जब परम धाम से नीचे उतरती है तो उनकी देवान की स्थिति होती है या आत्म की स्थिति होती है? आत्म की स्थिति होती है, सब आत्मा होती है, बाद में देवान होती है। ये आत्मा का फाउंडेशन उन्होंने कहाँ धारण किया था? संगम युग में धारण किया। 500-700 करोड़ भी जो आत्मा होगी वो भी ये ज्ञान धारण करके जा देगी। क्या मैं आत्मा ज्योति बिंदु सुन और मुझे आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु सुन। हाँ, और क्या कहना चाहते हैं? देव का क्लाइंट के घर, अरे इसमें क्या बात है? जिसकी 100% आत्मिक स्थिति बनेगी वही तो देह का मान छोड़ सकेगा। अगर 100% आत्मिक स्थिति नहीं बनी है, बीच बीच में देह का भान आता रहता है, अपनी देह याद आती है या दूसरे दूसरे की देह याद आती है, तो आत्मिक स्थिति कहेंगे नहीं, नहीं? तो दूसरों में प्रवेश करने योग्य है नहीं, नहीं? तो मार खा जाएगा। किताब है ब्रह्म की शुभ हो है, ब्रह्म की गोद में वस्तु याद करके शुभ हो, ब्रह्मा की गोद में शुभ अपने ब्रह्मा की गोद में शिव बाबा को याद करो। लाए पांडव में क्या लाए? बोला है किताब में लिखा है, मुरली की तारीख भी, मुरली की तारीख में लिखा है कि शिव बाबा की गोद में ब्रह्मा बाबू को याद करो। ब्रह्मा बाबा को याद करो अब हम याद कर रहे तो ब्रह्मा बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबू को। हाँ, ये कहा है कि शिव बाबा की याद करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्मा याद ना आए। बिना ब्रह्मा के शिव बाबा हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा का मतलब ही है बड़ी माँ। बड़ी माँ का मतलब है ऐसी माँ जिसकी कोई भी माँ नहीं हो सकती। क्या दादा लेखराज को हम बड़ी माँ कहें तो दादा लेखराज को भी जन्म देने वाला कोई माँ थी या नहीं थी? कौन थी? जगदम्बा। और जगदम्बा को भी जगदम्बा के रूप में प्रसिद्ध करने वाला कोई भी रचयिता है या नहीं है? नहीं तो जगदम्बा भी प्रसिद्ध नहीं हो सकती संसार में। वो कौन है? सब 36 में शिव बाप जो ज्योतिबिंदु आत्मा है वो प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने वाला बाप हुआ या जिसने प्रवेश किया वो बाप हुआ? प्रवेश करने वाला बाप हुआ और जिसने प्रवेश किया वो क्या हुआ? माँ। तो पहली माँ कौन हुई? प्रजापिता ब्रह्मा ही पहली माँ हुई। वो जगदम्बा की भी अम्मा है। इसका प्रैक्टिकल स्वरूप बाद में प्रत्यक्ष होता है। जो आज में जो अंत में वो अंत में जो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है
वो कहा जाता है अर्धनारीश्वर। क्या? उसमें आधा पार्ट स्त्री का भी है, माँ का भी है, और आधा पार्ट बाप का भी है। इसलिए कि ब्रह्मा की सहयोगी भुजाएं कितनी गाई हुई है, हजार। तो जब ब्रह्मा की हजार भुजाएं सहयोगी है और ब्रह्मा तो विष्णु